नमस्कार जी, हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली में महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर अब महासंग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। महाठग सुकेश को बीजेपी का स्टार प्रचारक बता दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और साथ ही साथ कहा कि अब सुकेश चंद्रशेखर भी बीजेपी वालों की भाषा बोलता है। सुकेश चंद्रशेखर की मनोहर कहानियां हैं, ये कहा है केजरीवाल ने। बीजेपी में शामिल होने के लिए के लायक है सुकेश, ये कहा गया है सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। वो मैं तो उनसे मतलब उस वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी, जो बीजेपी वालों के। बीजेपी वाले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो भी कहने लग गया कि तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए, किसी भी दिन हो सकता है कि ये लोग शामिल करा लें। और उसे तो स्टार प्रचारक बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने सुना है मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में। सारे चैनलों को फोन किया गया इसको लाइव मत दिखाना क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। तो अब जैसे मोदी जी जब रोड शो करते हैं एक गेट पे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे गेट पे अब सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर लेना चाहिए। उसको देख के भीड़ तो आएगी, कम से कम उसकी मनोहर कहानियां, उसकी इतनी कहानियां हैं ठगी की, उसको सुनने के लिए भीड़ आएगी, लोग उसको देखने के लिए आएंगे। कम से कम बीजेपी की सभाओं में भीड़ तो होने लगेगी। उसको शामिल कराना चाहिए, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए इनको। ईडी और सीबीआई अब ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज बन चुकी हैं। ईडी डायरेक्टर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव, इज अ फिल्म डायरेक्टर। सीबीआई डायरेक्टर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डायरेक्टर, इज अ फिल्म डायरेक्टर। पीएमओ फिल्में प्रोड्यूस करता है, स्क्रिप्ट्स यहां लिखी जाती हैं और फिल्मों की डायरेक्शन ये करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया उसको पकड़ के जेल में डालो, स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियां बुनना बंद करो, स्क्रिप्ट्स लिखना बंद करो। मतलब बॉलीवुड से ज्यादा कहानी, अच्छी कहानियां आजकल इनके ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में लिखी जाती हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन को पोर्नोग्राफी टेस्ट करवाने की चुनौती दे दी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक लेटर जारी कर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आम आदमी पार्टी पर वसूली करने का आरोप लगाने वाले सुकेश ने एक नया लेटर जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है। सुकेश ने लेटर में लिखा, मैंने अभी तक सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के लिए जो भी बयान दिए हैं वे भी सच हैं, और इसे साबित करने के लिए मैं अपना पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकता हूं। साथ ही मैं बहुत ज्यादा उत्सुक और बहुत खुश हूं। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी अपना कंसेंट दें। हम तीनों का एक साथ पॉलीग्राफी टेस्ट हो और इस टेस्ट का लाइव प्रसारण हो, ताकि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का सच देश के आगे उजागर हो सके। लेटर में सुकेश ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को करोड़ों की घड़ी गिफ्ट करने का भी दावा किया है। लेटर में सुकेश ने लिखा, केजरीवाल जी वैसे आपको जैकब एंड कंपनी एस्ट्रोनोमिया की घड़ी तो याद होगी जो मैंने आपको दी थी। आपने उस घड़ी का स्ट्रेप नीले रंग से काले रंग में बदलने के लिए कहा था। मैं जानना चाहता था कि आप इस घड़ी का स्ट्रेप नीले से काले रंग का करवाना क्यों चाहते थे। आपके ज्योतिष ने आपको बताया था कि इस घड़ी के डायल में सभी प्लैनेट्स हैं, और सुबह उठकर आपको वही घड़ी पहनने को कहा था लेकिन काले स्ट्रेप की। इसके लिए मैंने चार्टर्ड प्लेन से दुबई से घड़ी के स्ट्रेप को बदलवाया और उसी दिन आप तक पहुंचाया था। आम आदमी पार्टी महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन सुकेश रोज नए नए लेटर जारी कर आरोपों की नई फेहरिस्त पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां से शिवम हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जाती है, जिसमें आम आदमी पार्टी के एमसीडी और गुजरात चुनाव के स्टार प्रचारकों को लेकर हमला बोला जाता है, और पलटवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं और उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को ही बीजेपी का स्टार प्रचारक बता दिया। देखिये चंदन, बिल्कुल सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में, दिल्ली एमसीडी में, हिमाचल में चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी पर कोई भी जो हमला है वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। यही एक वजह है कि राजेंद्रपाल गौतम को लेकर एक बार सियासत फिर गर्मा गई है। राजेंद्रपाल गौतम का वो बयान उनके लिए बड़ी मुसीबत बना है। इसके अलावा पार्टी ने उनको मंत्री पद से हटाया था। बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने
पार्टी ने नहीं हटाया, हमारा डिसीजन नहीं है बल्कि राजेंद्र पाल गौतम का स्वयं का है, जिसको लेकर भी बीजेपी हमलावर थी। अब स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई है, बीजेपी का कहना है कि पार्टी से न तो निष्कासित किया और अब उनको स्टार कैंपेनर बनाया है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने हिंदू समाज को लेकर ओछी टिप्पणियां की, हिंदू समाज के देवी देवताओं को अपमानित किया, उसको स्टार कैंपेनर बनाकर अरविंद केजरीवाल ने अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखा दिया। एक तरफ जहां गुजरात आपके अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी देवी देवताओं पर, भगवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी इस तरीके से पेंट कर रही है जैसे कि वो हिंदू विरोधी हो, और यही एक वजह कि अरविंद केजरीवाल को स्वयं सामने आना पड़ा। एक तरफ जहां लगातार सुकेश चंद्रशेखर ईडी के मामले में लेटर पर लेटर बम फोड़ रहा है आम आदमी पार्टी पर, दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम को स्टार कैंपेनर बनाना निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये कह रहे हैं, जिस तरीके सुकेश के लेटर आ रहे हैं वो ये दिखाता है कि बीजेपी का सपोर्ट उनको, जाहिर है कि इलेक्शन है, एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दोनों ही पार्टियों में। इस बीच आपके पास लौटते हैं शिवम, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, राजेंद्र गौतम को स्टार कैंपेनियर बनाने पर घमासान हो गया है। हिंदू से नफरत करने वाले केजरीवाल को पसंद, ये कह रही है बीजेपी। केजरीवाल सिर्फ चुनावी हिंदू, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल सिर्फ चुनावी हिंदू है, केजरीवाल फर्जीवाल है, बीजेपी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने की, कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव और आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव को लेकर स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट शामिल की, जाहिर की लिस्ट जो है वो बताई इलेक्शन कमीशन को, जिसमें गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल गौतम का नाम था। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया और हमले में क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं आपको। सीडी चुनाव दिल्ली के स्टार कैंपेनर, इसमें एक नाम मैं पढ़ता हूं, 22 नंबर पे जो नाम है, ये नाम स्टार कैंपेनर श्री राजेंद्र पाल गौतम का है। इनको तो आपने मंत्री पद से हटा दिया था और हटा के ये कहा था कि ये जो बयान दिया गया है इससे आप सहमत भी शायद ना हो, इसीलिए हटाया। अगर तब हटा दिया था तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, शब्द राजेंद्र पाल गौतम के थे विषैले, नफरत भरे, सोच अरविंद केजरीवाल की ही थी, रहा नहीं गया अपने नफरती नेता के बिना, उनको स्टार कैंपेनर बनाया, स्टार कैंपेनर बना के जिम्मेदारी ये दी, जाके हिंदू देवी देवताओं को खूब गाली देना। हमें केवल और केवल एक ही धर्म विशेष का वोट चाहिए। वक्फ बोर्ड में मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा, मैं मौलवियों को मुफ्तियों को भत्ता भी दूंगा। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।